सरकार के धांधली कर रहा है खाद का। योगी जी झूठ बोल रहे हैं। सरकार ये किसान विरोधी है, गरीबों की नहीं है, पैसे वालों की सरकार है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली की जंतर मंतर पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो किसान भाई हैं, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहां कहां से आए अभी इनसे ही जान लेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय किसान मजदूर दलित यूनियन का ये जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। दलित भी है, मजदूर भी है और साथ में किसान भाई भी हैं। तो सबसे पहले तो इनसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी, तो क्या कुछ मुद्दा है आपका, क्या मैटर है, क्यों किसान को अब फिर से आना पड़ रहा है, दलित को भी, मजदूर को भी, और कहां कहां से आए हैं आप लोग? हम लोग पूरे प्रदेश भर से आए हैं। हाँ, देश भर से। अच्छा। हाँ, मुद्दा किसानों की कोई बात नहीं सुनी जाती है, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ धरना प्रदर्शन करने। नहीं, हम मजदूर हैं। हाँ, मजदूर हैं। हाँ, मजदूरी करते हैं। जहाँ काम मिल गया वहाँ सेवा करा, मजदूरी मिली। गले में माला पहनी हुई है भैया आपने। हाँ, तिलक लगाया। हम इससे भी जुड़े हैं बहुत दिनों से। किससे जुड़े हैं? जब जो है ये किसान संगठन बना था तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ किसान संगठन। हाँ, से आप जो है किसान मजदूर दलित संगठन में आ गया। दलित संगठन में जी क्यों आ गए हैं, पहले क्या करते थे? पहले से बता रहे हैं, बहुत दिनों से मैं इससे जुड़ा हूँ। हाँ। नहीं, उसके पहले क्या करते थे? उसके पहले जो है अपना सर्विस करते थे। हाँ। बनिया के यहाँ प्राइवेट। हाँ, तब भी शर्मा जी अब आपको यहाँ पे जुड़ना पड़ा दलित मजदूर से। वहाँ पे शर्मा जी को पूछा नहीं किसी ने? पहले किसानों से जुड़े, बाद में ये मजदूर संगठन बन गया, उससे जुड़ गए। अब इनसे जुड़ के इनकी बात सुन रहे हैं, शर्मा जी की बात रख रहे हैं। हाँ, इनकी बात सुन रहे हैं, यही तो आवाज उठाने यहाँ आए हैं। अच्छा। हाँ। सर क्या नाम है आपका? सुशील कुमार शुक्ला। सुशील जी, तो सुशील जी क्या कुछ मजबूरियां हो गई कि दलित मजदूर को अब फिर से यहाँ पे आना पड़ रहा है धरना प्रदर्शन के लिए, और जगह जगह से आप लोग बता रहे हैं शायद? कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ सीतापुर से आया हूँ। लखनऊ सीतापुर से आ गए हैं जी सर। तो अभी क्या कुछ हो गया है? जनहित की समस्याएं हैं और तमाम ऐसे समस्याएं हैं जो दिल्ली से ही उसको निराकरण होना है। मैंने प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, DM को दिया, और वहाँ से विकल्प नहीं निकला तो मैं यहाँ आना पड़ा। उत्तर प्रदेश में विकल्प क्यों नहीं निकल रहा है? क्यों योगी जी इतना डंका बज रहा है? इसलिए नहीं निकल पा रहा कि जैसे केंद्र से संबंधित मामला है, जैसे ट्रेनों का संचालन है, तो वो दिल्ली से कहते होगा ना कि प्रदेश से होगा। अच्छा। इसलिए दिल्ली आना, तमाम ऐसी बिंदु हैं जो प्रदेश स्तर से राष्ट्र स्तर तक का मामला है, और जनहित की समस्याएं हैं। बहुत से योगी जी के यहाँ काम होता है लेकिन उनकी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो काम नहीं होते, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। जैसे विधवा पेंशन, आदमी जिसकी आदमी मर जाता है और उसके बच्चों को जो 30,000 रुपया गवर्नमेंट देती है, जिसका 3-3 साल तक पैसा नहीं आ रहा। सीतापुर में पैसा ही नहीं आ रहा है। बजट कह रहे हैं, बजट नहीं है सरकार के पास। कहा बजट नहीं है, तो इतना नहीं है ना। मैं बताया ना, 3 साल मैंने पास रिकॉर्डेड है, मैंने पत्र लिखा हूँ, और उसके बाद किसान दुर्घटना 5 लाख मिलता है। 18 में आदमी खत्म हुआ था और 22 में आया पैसा। जो जनहित की योजनाएं हैं उनका पैसा नहीं होगा, तो बताइए क्या करना पड़ेगा? अगर एक आदमी वृद्धा पेंशन के लिए 4-4 बार फार्म ऑनलाइन कराना पड़ता है, एक बार ऑनलाइन कराने का 50 रुपया लेता है, और गरीब आदमी किसान आदमी कहाँ से देगा? राशन कार्ड का आवेदन के लिए एक उनके पास, सरकार के पास जो योजनाएं हैं उनके कर्मचारी हैं, खाद बिहार राशन कार्ड के लिए उनके पास फूड इंस्पेक्टर हैं, जो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं उनकी योजना, उनको बाबू हैं, उनसे कहिए कि जो किसान है ऑनलाइन करे आवेदन, उनको राशन कार्ड बनाएं। इसी तरह विधवा पेंशन के लिए हर महीने कैंप लगाएं गांव में, सिक्रेटरी होते राशन हैं। राशन कार्ड बने हुए हैं सब? सबके नहीं बने, राशन कार्ड तो कहते हैं मानक पूरा हो चुका है। अच्छा। कहते हैं बजट वो पूरा है, बजट मानक पूरा हो चुका, अब नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। गरीब आदमी जा रहा है, राशन कार्ड तो गरीबों के लिए ही बनाया जा रहा है। गरीब वो कह रहे हैं उसका मानक पूरा हो चुका, चाहे जिस उपखंड पर जाइए, कह रहे हैं मानक हमारा पूरा हो चुका, अब हमारे पास नहीं है, जब बजट आएगा तब देखेंगे। अच्छा। और आता है एक बार कहीं दूसरे बन भी गया किसी तरह से, तो उसके दूसरे महीने यूनिट कट गया। सरकार के धांधली कर रहा है खाद का। तो इस तरह की योजनाएं हैं, सरकार के पास सेक्रेटरी होते हैं, एक गांव में, गांव पंचायत में विधवा वृद्धा पेंशन बनते हैं,
सरकार की योजनाएं हैं आप संचालित कर रहे हैं, तो ब्लॉक स्तर पर सिक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि गांव में जा करके उसको बनाए, प्रस्ताव पास कर दे, ऑनलाइन कराए। उसके यहाँ बाबू बैठा है, गरीब आदमी दो बार ऑनलाइन कराया, तीन बार उसका फार्म रिजेक्ट कर दिया गया। गरीब आदमी तबाह है, परेशान, नालियों में पानी नहीं आ रहा। एक गुड सेफर सोसाइटी है, आपको बता दें, सीतापुर जनपद सिधौली के तहसील में गांव पड़ता है शिवसिंहपुर मजरा जयपालपुर में, एक सरकारी नाली, उस गांव में करीब 500 बीघे जमीन है, सरकारी नाली पर गुड सेफर सोसाइटी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। आज 8 साल हो गया, हर महीने लिखा पढ़ी ज्ञापन DM सीतापुर को दिया गया, आज तक उसको खाली नहीं कराया गया, और कुछ अराजक तत्वों द्वारा बिल्डिंग बना ली गई सरकारी बिल्डिंग नाली पर। गांव पूरा पानी न कोई सिंचाई का साधन है, उस नाली से ही सिंचाई होती थी। मैंने 10 बार लिखा हूँ माननीय जिलाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो नाली आज भी नहीं खाली हुई, इसलिए आना पड़ा दिल्ली। मैंने एक सरकारी रास्ता है चकमार्ग, उस पर रास्ते पर अवरुद्ध कर दिया गया, DM को लिखा गया, चिट्ठी बनाया, लोग उसे धारा 25 में कहा इसको पास करा लो रास्ता, धारा 25 में लागू हो गया और रास्ता बंद कर रखा है। इस तरह के समस्याएं हैं, और इस समझ लीजिए वो काम वहाँ ना होकर के दिल्ली आना पड़ा, तो सरकार वहाँ नहीं हो रहा है काम, नहीं हो रहा था दिल्ली क्यों आते, बताइए आप बहन जी, बताइए। योगी जी के तो डंका बज रहा है लगातार, योगी जी का डंका बज रहा है बुलडोजर से, योगी जी का बाबा का बुलडोजर सही तो कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो अगर सरकारी नाली पर अतिक्रमण है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो रही, तो वो उनको भी ठीक करें, बुलडोजर चलाएं, वो सिक्योरिटी पर भी घर पे बुलडोजर चल रहा है, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, पूरा मीडिया चिल्ला रहा है, मीडिया आप कहिए, आपका आपका मन है, ये आप कहना गलत है कि मैं कह रहा हूँ, जो भी मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो गलत काम कर रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है, बुलडोजर चला, ये ठीक कर रहा है। एक बात बताइए, बलात्कार कर रहा है तो उसका बुलडोजर मतलब उसका बुलडोजर नहीं, उसको एक भय उत्पन्न करना चाहिए, ये तो ठीक किया कि अगर गलत काम के लिए कानून बनाए, अगर सरकारी कानून ये बन जाए, बुलडोजर से कानून चलेगा नहीं, कानून को पालन कहे हो रहा है, वो पालन करते उनके अधिकारी पर उसी जगह पर धाराएं नहीं है, बलात्कारी की धाराएं नहीं है, उसी धारा है, उसी टॉपिक पे आ गए कि अगर सरकार ने लिखा पढ़ी किया, उसके कर्मचारी हैं, अधिकारी SDM DM है, एक शासनादेश जारी है कि अगर आपका पैसा आना है इतने साल में, तो उनके कर्मचारी ही सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकारी पुलिस अधिकारी है, पुलिस अगर थाना में कंट्रोल कर दे तो वहाँ पर भाई बात नहीं रहेगी ना, हो जाएगा, पुलिस की वजह से झगड़ा बाल बढ़ रहा है, पुलिस क्यों नहीं कंट्रोल कर रही, पुलिस तो वहाँ कंट्रोल कर रही है, भय पड़ा हुआ है पूरा, इतना टाइट किया नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस तो केवल गरीबों, पुलिस का कोई क्राइम नहीं हो रहा, कोई गरीब आदमी थाने की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़ा आपका है, आंकड़ा नहीं, मीडिया बता रही, मीडिया का आंकड़ा, किसान यहाँ धरातल पर देखिए ना, वो चला रहे हैं जनता थाना दिवस, तहसील दिवस, सारी फर्जी रिपोर्टें चली जा रही, उसको सत्यापन कराएं, और जान क्यों परेशान हो रहे हैं, सत्यापन परेशान क्यों हो रहे हैं, फिर जब योगी जी का डंका बज रहा है अभी भौतिक योगी जी बुलडोजर से बुलडोजर, हमारी बात सुनिए, मैंने ये कह रहा हूँ कि अगर भौतिक सत्यापन करना है, योगी जी सरकार के जो उनके कर्मचारी DM SDM तहसीलदार थाना अध्यक्ष CO जो आपने शासनादेश जारी किया, थाने में कोई प्रार्थना पत्र आया उसका निस्तारण होगा, तो आप भौतिक सत्यापन कराइए कि प्रार्थना पत्र देकर के व्यक्ति गया, उस पर कार्रवाई होनी हुई नहीं हुई, तो नहीं तो उस संबंधित थाना क्षेत्र, संबंधित क्षेत्राधिकारी, संबंधित SDM, संबंधित तहसीलदार, संबंधित लेखपाल, संबंधित सेक्रेटरी, संबंधित BDO के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जिसका क्षेत्र नाली सी से एक नाली नहीं है। राज्य आ चुका है, ये रामराज्य आ चुका, तो रामराज्य आ चुका है, सब कुछ इतना अच्छा बढ़िया चल रहा है, और आप लोग क्या बढ़िया चल रहा है, आप बताइए, धान की तौल नहीं हो रही, किसान परेशान नहीं है वहाँ पे भाई, उत्तर प्रदेश में ये आप किसान परेशान नहीं है, महिलाएं जो है रात में जा सकती है गहना पहनकर, ये आप कह रहे हैं, किसान तो बहुत परेशान है, किसान की तौल नहीं हो रही, धान बाढ़ आ गई है, एक घीच भर ले पानी, किसान बाली काट रहा, तौल नहीं हो पा रही, ये हम नहीं कह सकते हैं, ये हम नहीं कहेंगे, किसान परेशान नहीं है, ये कौन सा कौन किसने कह दिया, मीडिया दिखा रही है आपकी है, मीडिया नहीं दिखा रही है, मीडिया दिखा रही है किसान परेशान है, यूपी का कहाँ परेशान है, क्यों जानवर खेत चले जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार होगा, बाड़े बनाए हुए इतना, कौन बनाया है, योगी जी बाड़ा बनवा रहे हैं, योगी जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जी हाँ बताइए, इतना अच्छे बाड़ा बनवाया, फिर वही बात, इतना अच्छा मंत्री है, फिर वही बात, मंत्री है,
तो उत्तराखंड में क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन गए? क्या यूपी में बनना था? सारे गायों को छोड़ दिया, टाइट नहीं कर दिया वहाँ पे सर? अरे क्या टाइट कर दिया, सारे गायों को छोड़ दिया उन्होंने? क्राइम नहीं हो रहा है? क्यों नहीं क्राइम होना है? तुमको दिखा दे, बाड़ा बनवाया, बाड़ा बनवाया, जो आपने कहा कि बाड़ा हमने गैया बनवा दिया। ज्ञापन में मैं ज्ञापन पे जन मंडी हमारा धान नहीं तोल हो रहा है। गैया का क्या बोल रहे हैं? गैया का इसलिए बोल रहे हैं कि गाय के लिए एक चिन्हित किया जाए, टोकन, जैसे टोकन लगाया जाए, एक डॉक्टर टीम गठित, एक थाना क्षेत्र अधिकारी जो चल रहा है, हर थाना सर्किल को जैसे एक बना दिया, तो जैसे आपके यहाँ दो गाय हैं, हमारे दो गाय हैं, तो हमको एक टोकन बना दिया जाए, टोकन नंबर एक, यदि हम गाय बेचते हैं तो हमारे पास बेचने का एक कागज हो, अगर हमारी गाय मर जाती है तो हमारे पास पोस्टमार्टम हो, यदि हम छोड़ देते हैं तो हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो जाए। गाय माता के लिए गौशाला इतनी बनवाई है योगी जी ने, क्या गौशाला की आप स्थिति, उच्चारण मंत्र तक करवाए हैं गौशाला के, आप देखेंगे तो उनका ना तो खाने की व्यवस्थाएं हैं, गौशाला नहीं है उसने माने, मीडिया दिखा रही है, वो क्या है? आप चलिए, आप हमारे साथ देखिए गौशाला, मैं दिखवाता हूँ, क्योंकि मीडिया गाय माता को सर्वोपरि मानते हैं। खुलवाया गौशाला का, उसकी समुचित व्यवस्थाएं नहीं है, समुचित व्यवस्थाएं करें, व्यवस्थाएं करिए, रोटियां वहां पहुंचती है उनके लिए, स्पेशल मशीनों से रोटियां बन रही हैं। तो रोटियां बन रही तो वो रोटियां बहस कर रही हूँ, अगर मैं बता रही हूँ ये सब चीजें हो रही। सरकार ये किसान विरोधी है, गरीबों की नहीं है, पैसे वालों की सरकार है, चारों तरफ से गरीब को लूट रखा है, गरीब के मुड़े बड़े लोगों को खाना खिला रही है, हमारी कमाई हवाई जहाज और जो गाड़ियों में घूम रहे हैं उनको खिला रही है, कमा रहे हमें उन्हें गला फ्री दे रही है। ये इस बीजेपी सरकार ने गरीबों का सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश कर दिया खिला रही है, हमें नहीं खिला रही, हमारा गल्ला आप लोगों को खिला रही है। क्या नाम है आपका? केशव सिंह, राष्ट्रीय बालाजी किसान लोक संघ यूनियन। कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए, इतनी दूर से, क्या उम्र है आपकी? हम बता रहे हैं, हमारा माल आप खा रहे हैं, आप लोगों को खबर ये सरकार है, हमको नहीं देती, तुमको क्या खिला देती, हमें बैग खा रही है, आपको खिला रही है, कमा रहे हमें और आपको खिला रही है, ये सरकार निकम्मी है। निकम्मी है सरकार, बिल्कुल सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, लोग दोबारा से 2024 में लाने की कोई काम जरा कोई नहीं हो रहा, काम सब गरीब को लूटा जा रहा है। योगी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, यूपी कोई काम नहीं हो रहा है, राज्य बन गया, राम मंदिर नहीं बना, खुशी नहीं, बिल्कुल सरकार बेकार है, बेकार है, हाँ बिल्कुल बेकार, थर्ड क्लास, मंदिर नहीं जाएगा, टीका लगा रखा है, मंदिर बेकार बता रहे हैं। ना ना, हमारी लुटाई हो गई, हम नहीं मन लल्ली, हमारी ये सरकार हमारे लिए दुश्मन है, ये पैसे वालों की सरकार है, ये कभी भी गरीबों की नहीं हो सकती, आवास मिले एक भी गरीब को नहीं मिले, जिसने पैसा दिया उनको आवास मिले, जिनकी पेंशनें बनी उनको पैसे वाले को 15-15 लाख आने थे आए अकाउंट में, आप हैं 15-15 लाख आने थे, ये कृषि ऐप ये भारत सरकार के द्वारा देखिए दिया हुआ है, कृषि ऐप किसान कल्याण मंत्रालय, और ये राष्ट्रीय संयोजक बालाजी आशा, राष्ट्रीय किसान मजदूर लोक संघ, और ये केशव सिंह जी हैं, इन्हीं के ये देखिए कौन सा काम हो रहा है, सप्ताहकारी हमारी बेवकूफ बना रही है। अच्छा, तो ये कहाँ कहाँ पत्र दिए दिए हैं, कहाँ कहाँ से आ गए आपके पास, इन पे कुछ हो रहा है ये रोज? ये देखिए कितना इनके पास फाइल इन बाबा के पास रखी हुई है, और ये कितना सारे ये सारे सरकारी पत्र हैं, ये देखिए सारे सरकारी पत्र हैं, ये बाबा पूरी फाइल लेके घूम रहे हैं आप? कुछ नहीं हो रहा, ये सारा क्या फाइल है ये, क्या इतनी बाप रे, कितने पन्नों की फाइल है ये पूरी? ये ज्ञापन है हमारा, पढ़ लो, ये ज्ञापन दे जाए, देखो ये आशा है, ये आज का ज्ञापन है जो आज देंगे, ये आशा है का 2045 में 18 में मेरा एग्रीमेंट हुआ था कोर्ट में 4500 का, राज्य सरकार ने 1500 दे दिया, 1000 नहीं दिए, केरल सरकार ने, पश्चिम बंगाल केरल इनमें जो यहाँ बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ पर परमानेंट हो गई, यहाँ बीजेपी सरकार है, वहाँ भी आशा जी टेम्परेरी काम कर रही है। ये धोखा किस बात का, धोखे के बारे में लिखा हुआ है कि आशा के साथ धोखा हुआ है और अब झांसे में नहीं आएगी, 5 मई 2018 के एग्रीमेंट 4500 रुपए का पूर्ण भुगतान करो, तो ये किस तरीके का धोखा किया गया आपके साथ? हाँ, सारा धोखा, क्या एग्रीमेंट होने के बाद भी तो 1000 रुपए, 2018 का एग्रीमेंट हमारा 2018 का है, हाँ कोर्ट में 2000 एग्रीमेंट लग रहा है, इसमें सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, आप तो पसंद नहीं सरकार, हमारे गरीब लोग लूट के मचा रखी है,
ना आश्रम के जो है आपका जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें मिलते हैं 1200-1500 और हेड मास्टर मिलते हैं 5200। पंचायत इलेक्ट्री बॉडी को अभी तक 10 पैसा नहीं बढ़ाया, जो पंचायत नहीं बढ़ा अभी तक ना, वही का वही चल रहा है नहीं? और जो पैसे भी मार चल गया, मजदूरी वगैरह में बढ़ोतरी बताई गई। देख लड़की बात सुन लो, अब के हम इलेक्शन लड़ाएंगे अपने आदमी को और इस सरकार के विरोध में, सुन लो चुनाव लड़ने आए। सुन लो पहले बात, जो जो हमारे आदमी का संबंध करेगी पार्टी उसको हमारी पंचायत इलेक्ट्री बॉडी किसान यूनियन वोट देगी। अब बेकार ने बेटा वोट देने तेरी बात, आप तो एक संसद बात करिए हमारी, हम लिख लगे परेशान है, सब परेशान है, लिख लग परेशान, ये सब क्या बंदे ने, इन पर क्या हो रहा है, कुछ भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा, सब कागज रद्द दिए। योगी जी के पास पहुंचे थे ये सब पत्र लेके, आप इतनी उम्र की, आपकी उम्र क्या, क्या हो रहा है मोदी, क्या हुआ इन पे, अब तक कुछ नहीं हुआ, बोला मत मुझे पूछो, सरकार ने पूछ जाए, मोदी साहब सामने बैठा, निर्देश करता हूँ लेके घूम रहे हैं ये फाइल, कब से लेके घूम रहे हैं, कितना टाइम हो गया, ये 2018 से लड़ाई चल रही है, 2011 से लेटर आ रहे हैं, न तो सरकार कुछ कर रही। ये देखिए संदर्भ संख्या का ये इनका ये नंबर लिखा हुआ है का निस्तारण कर दिया गया है, निस्तारण क्या किया है, क्या जन सुनवाई पोर्टल ऐप पर देखी जा सकती है, तो पोर्टल ऐप पर क्या किया है, निस्तारण अफसर ने लिखा कि ये बात पूरी कर दी गई है, नाम केशव सिंह गाने श्यावली बड़े शाह के नाम से लेटर भेज दिया, सरकार को गुमराह कर दिया अफसरों ने, सरकार को गुमराह कर दिया अफसरों ने, हाँ अफसर गुमराह कर रहे सरकार। ना नहीं, सरकार ही रुका है, अफसर गुमराह कर, ये सरकार सही हो तो अफसर गुमराह करे, तो अफसरों के ऊपर पावर कहाँ से आ रही है, ना नहीं कुछ नहीं, नहीं, नहीं कर, हमें चुनाव लड़ना है, हम हमारी सरकार लड़ने आए हैं यार, चुनाव लड़ेंगे और सरकार को भगाएंगे, पार्टी खड़ी करने वाले ना नहीं जान बोले, क्या उम्र है बाबा आपकी, क्या उम्र है ना, उम्र हमने इलेक्शन छोड़ा, हमारी इलेक्शन वोट कर, उम्र उम्र कितनी है, उम्र 72 साल के है, चुनाव लड़ेंगे आप, नहीं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ाएंगे लड़वाएंगे, हमारे चुनाव लड़ने काम नहीं, हम लड़ते हैं उसके आगे पार्टी खड़ी करेंगे, नहीं ये सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे हम अपने लोगों को, सरकार के खिलाफ, हाँ जीत जीत होगी, जीत होगी, आपके लोगों का संगठन है इतना है लोग, और हमारा शिक्षा मित्र आशा आंगनबाड़ी ये पंचायत की रख बोटी ये अपना आदमी लड़ाएंगी, उनके साथ में ये किसान मजदूर भी होंगे, हम अब हमारा आदमी लड़ेगा, हम ही लड़ेंगे, उस जो हमारे आदमी का संबंध करेगी पार्टी उसको वोट देंगे, अब नई सरकार बनाएंगे, सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है फिर भी कहाँ कर रही, थरकाश काम कर रही है, क्या कर रही, काम कौन सा काम कर रही है, बताओ मुझे बताओ कौन सा काम अच्छा हुआ है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी, किसानों के लिए इतना कानून ला दिया, बढ़िया कानून बना दिया, अरे कुंचे की मजदूरी बढ़ गई बताओ सही, कहाँ बढ़ गई, गायों के लिए बाड़े वाड़े बनवा दिया, ना ना बढ़ गई, मैं कहाँ पैसा बढ़ा रहा, हम एक पैसा नहीं बढ़ा हमारा, क्या कह रहे थे अंकल जी आप, कुछ कह रहे थे कौन, हम क्या नाम है आपका, हमारा नाम पूरन लाल है, कहाँ से आए हैं, हम बरेली जिला से, बरेली से आए हैं आप, तो अलग अलग जगहों से इतनी दूर दूर से आप यहाँ पे आए हैं, हाँ, हाँ, क्या क्या समस्या आ गई, इतनी दूर आना पड़ा, हमारे यहाँ गौशाला बना हुआ है चटिया फैजू में, हाँ, गैया पकड़ के करवाई गई, गौशाला बना हुआ है बढ़िया बना होगा, और एक गैया 4 दिन गैया उसमें रही, 4 दिन के बाद गैया को पता ना चलो कहाँ गैया चली गई, गौशाला से, गौशाला से गैया देखो चल के हमारे ये ना, हम यहाँ है मन हमारो घर रखो है कि धान हमारे खड़े हैं और फसल खा रहे हैं, कल्लू लड़का है घर पर, तो फसल खा जा रहे हैं, फसल खा जा रहे हैं, हमारा पशुओं के लिए कुछ बनाया नहीं गया है, योगी जी तो इतना बोल रहे हैं बनाया गया है, सायपुर बनियान में देखो चल के 10 मुसलमान पकड़िए बिगैर बिगैर कसूर पकड़िए गए, सायपुर बनियान में कौन पकड़े गए, मुसलमान कही कि गाय काटी मगर गाय उनने काटी नहीं, उनपे दोष रखा, पकड़े गए मुसलमान उनपे दोष बता रहे कि भैया गऊ को रख रख के काटा जा रहा है, ये इस तरीके का दोष रखा गया, ऐसे ऐसे आदमी थे कि उनपे कोई दोष नहीं था, सरकार ये जबरदस्ती का दोष रख के मुसलमानों को पकड़ रही है, टारगेट उनपे दोष लगवा दिया, अच्छा बनियों लोगों ने, बनियों ने लगवा दिया, हाँ और इतना नुकसान हो रहा है कि बे लोग अपने खेत में से जानवर हांकने के लिए भी नहीं जाते हैं, बुलडोजर तो चल रहा है ना, हाँ। मुसलमान पे बढ़िया बुलडोजर चल रहा है, खुश हो जाना चाहिए आप लोग को, तो अरे बगैर 200 किसान को मार डाल रहा तो खुश होना चाहिए,
दोस्त भाई कुछ तो दोस्त दिखाया ही होगा तभी ना पकड़ लिया इतना मुसलमान को। नहीं दोस्त नहीं है। बताओ उनको गांव के इलेक्शन की वजह से जा उनके ऊपर कानून लगाई जा रही है। गांव के इलेक्शन की वजह से उनके ऊपर लगाया है। मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान जिस तरफ जुड़ जाए उधर ही इलेक्शन हो जाता है। अच्छा, झूठा मामले में ऐसे मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, ये सही है क्या? हाँ सही है। तो भाई आपके बरेली में ही हो रहा है ये सब? हाँ, जिला बरेली के रहने वाले हैं, साईपुर बनियान के पास पोस्ट हमारा है और खानपुर में रहते हैं। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, आपकी मांगे जो भी है नहीं सुनेगी सरकार, फिर क्या करेंगे? करेंगे का? यहाँ पे दिल्ली में आ गए, अब वहाँ नहीं सुना, अब यहाँ आए हैं, यहाँ पे भी नहीं सुना, फिर क्या करेंगे? करेंगे क्या, घर रहेंगे और क्या करेंगे, काम करेंगे अपनों, जो करेंगे सो करेंगे और क्या करेंगे, काम को मानत हो रही है लगेगी। फिर मांगे तो मानी नहीं जाएंगी, फिर क्या करेंगे, ऐसे ही फिर काम चलता रहेगा और आगे क्या देखा जाएगा? आगे सरकार बदल, सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। सीतापुर जिले में रहे, तहसील महमूदाबाद में, और गायें इतनी हैं कि दिन रात सो नहीं पाते हैं, और गौशाला योगी जी कहते हैं बनवाएंगे, वहाँ कुछ नहीं बनता। सरकार कैसे बदल देंगे, आपके लोग तो जाके वोट दे देते हैं। वोट नहीं अपील देंगे, नहीं देंगे, सरकार बदल देंगे, हर हर मारे सो नहीं पाते हैं। यूपी चुनाव हुआ, आप ही लोग सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके वोट दे देते हैं, उसमें लय लेते हैं, नहीं लेते हैं, सब हराहत परेशान। कैसे लेते हैं आपसे, मार के ले लेते हैं क्या वोट? आप बड़े बड़े रुपया दे देते हैं नान के जनता, दे के वोट ले रहे, पैसा दे के वोट ले लेते हैं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ननके बेचारे मान गए वोट। वोटों की धांधली भी ऐसी हो रही है। वोटों की धांधली ऐसी भी हो रही है, और यहाँ हर हाथ सब चले डाल। कैसे सरकार अपनी इसको हटाएंगे आप लोग? सरकार हटे या हटी जरूर, बिल्कुल क्लियर हटा देंगे, 2024 में सरकार दूसरी आएगी, हटा देंगे, हटा देंगे, पक्का पक्का सब लोग पक्का हटा देंगे, हटा देंगे। सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, जानवर बहुत बहुत है ना, सरकार ये हटा मंदिर बना दे रही है, इतना मंदिर बना दे रही, कॉरिडोर बना दे रही है। अरे खाली मंदिर क्या करेंगे, मंदिर क्या, राजी नहीं आ गया खाना, किसान को खाना, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, खुश नहीं हो? हिंदू राष्ट्र बन रहा है, खुश नहीं हो? हिंदू राष्ट्र क्या, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मुसलमान पे बुलडोजर इतना तगड़ा चल रहा है, जानवरों का प्रतिबंध लगा के किसान का इतना जीना हराम कर दिया है, रात में रखाते हैं, दिन में रखाते हैं, फिर भी हमारे खेत खा जाते हैं। अरे बाड़ा नहीं बना रखा है क्या? सारे सारे खेत उजाड़ दिए हैं, लागत बनाई है। योगी जी को बदनाम कर रहे हो आप लोग, है ना, एजेंडा चला रहे हो। अरे गौशाला खाली एक नाम है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बने भी नहीं है, बने भी नहीं है गौशाला, नहीं बने। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोपीनाथ। गोपीनाथ जी कहाँ से आए? बद्रीपुर अधीरा से, शाहजहाँपुर जिला से, तहसील पुआया से। एक भी बाड़ा नहीं बना है हमारे यहाँ, एक ईंट नहीं लगी है अभी तक, पूरे पूरे बाड़ा नहीं बना है, और बाड़ा बताया जा रहा है। हाँ। इतना उस पे जो है पीछे से पैसा लेकर बाड़ा बनाया गया है भाई। एक भी बाड़ा नहीं बनाया हमारे यहाँ, चेक कर लिया जाए, सब जानवर खा जाते हैं, फसल को नष्ट कर देते हैं, प्रधान सेक्रेटरी मिलके खा रहे हैं। एक बाड़ा नहीं बना है, एक नहीं बना। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम बाल गोविंद। कहाँ से आए? हम आए हैं सीतापुर से। सीतापुर से आए जी। तो एक भी बाड़ा नहीं बना है, सारे मिले हुए हैं। वो बाड़ा बने थे, वो बल्लियों से बांधे गए थे, और उसके बाद में ना तो पैरा जुड़ा ना तो भूसा जुड़ा, से और रस्सियों से बांध के ये बाड़ा बना। ऐसे 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 ईंटों से बना के बाड़ा नहीं बढ़िया। हम चैलेंज कर रहे हैं बिटिया, आज मौका देखा जाए, और अगर एक बाड़ा एक कसाई में बना है तो हरहा मर रहे हैं, चारा नहीं है वहाँ पे। और हमारे यहाँ हर मौजे में बोले थे, हमारे यहाँ रामपुर में बना था, छावन में, एक बाड़ा एक हरहा अगर हो ना तो बाड़ा भी नहीं रह गया, जब भूसा नहीं तो कहते बाड़ा कैसे रखे हम। अच्छा, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आई थी अभी, महिलाएं कहाँ हैं? है, है? महिलाएं भी आई है, अजी आई है, कुछ महिलाएं भी आई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जावेद तेरी। कोई भी नहीं बोल रहा, आप बोलना नहीं चाहती है, परेशान नहीं है? परेशान क्यों ना है? परेशान नहीं है तभी तो नहीं बोल रही है। परेशान भैया ना है, हमें तो परेशान, हमें तो लड़ाई कर रही है अम्मा, तो हम नहीं बोल रहे, हमें तो किसान आदमी, हमें तो परेशान है। परेशान है तो बोलती क्यों नहीं है, आवाज कैसे उठेगी? मैंने कहा आदमी कितना नाम है धंधो, हमारे आदमी तो कुछ नहीं करते हैं, ताकि ना कहाँ से आई है? हम आएंगे धर्मपुर कलान से। धर्मपुरा से? धर्मपुर कला से? हाँ, कलान से। तो हाँ। क्या समस्या है, क्यों आप लोग भी खेती बाड़ी करते हैं क्या? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। तो क्या कुछ हो गया है, क्यों खेती बाड़ी में दिक्कतें आ रही है, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी? अरे दिक्कत जा में आ रही, लली गैया छुटी हैं, अब दिन रात बतावर रखा तो कौ रसोई जैसा खाई जाती है,
अब किसान आदमी हाथ जारी कर रहे, पशु ऐसे ही घूम रहे हैं। हाँ, खुले हुए घूम रहे हैं पशु, को बंदे ना। बाड़ा बनाने की बात करी है, योगी जी इतना बाड़ा बनवाए हैं। अब कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना है बाड़ा आड़ा, कछु ना। सब गई हमारे तुंग पत्ती है खेत में, अब चाहे कछु लगा तो मैं फांदे जाती हूँ ऊपर में। तो योगी जी इतना बढ़िया काम नहीं कर रहे, महिलाएं तो सुरक्षित है वहाँ पे, आपको खुश होना चाहिए। खुश होने का चाहिए, जब आदमी जगत है तो भाई रिवाने को परेशान है। महिलाओं की सुरक्षा को लेके तो योगी जी ने इतना बढ़िया काम करा, रात को सोना गहना पहन के निकल जा सकती है रात। हाँ, सो सही है, सो सही है, बढ़िया काम, बढ़िया है, निकल जाती है आप रात। हाँ, निकल जाता है, कोई डर नहीं है, कोई डर ना है। क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो रही मोदी जी को, योगी जी को बदनाम कर रहे हैं? हम ना बदनाम कर रहे हैं, हमें जब परेशानी कुछ किसानों की, जब पैदा ना हुई खाना कहाँ से खाना। देखिए सुरक्षा बोल रही है, बढ़िया की हुई है, बढ़िया महिलाएं निकल सकती हैं। ये इतनी बढ़िया है कि जो जीनो आराम है, हम लोग ना रात में सो पाते हैं ना। आप बदनाम कर रहे हैं योगी जी को, बदनाम नहीं है, रात में निकल जा रही है इतना अच्छा बढ़िया से, जांच करवा ली जाए। दिल्ली में कोई निकल नहीं पा रहा है। हम तहसील पुमाए से आए हुए हैं, जिला शाहजहाँपुर हमारा है गांव है रेहरिया। महंगाई कहाँ है, महंगाई तो है ही नहीं ना। महंगाई है, महंगाई भी है, जब से सरकार इनकी बनी है मोदी योगी की तब से महंगाई भी बहुत आ गई है। महंगाई इतना कोई भी नहीं बोला है कि महंगाई महंगाई है, बढ़िया तो कर दिया है, इतना टाइट कर दिया सब। टाइट नहीं कर दिया है फिलहाल, टाइट नहीं हुआ, और तो सब कुछ नुकसान उठा सकते हैं, लेकिन ये जानवरों वाला सबसे बड़ा बहुत बड़ा कांटा है। छोटा सा नुकसान नहीं उठा सकते सरकार के लिए, सरकार के लिए जो कुछ भी नहीं होने देते हैं, वो सब खा जाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पहलो तरह दबा देते हैं। तो ये देखिए, ये है समस्या, लागत भी नहीं लागत नहीं लगती है, परेशान क्यों हो रहे हैं बेकार में। योगी जी अच्छा काम तो कर रहे हैं सरकार, इतना बढ़िया काम कर रही, महंगाई है नहीं। अच्छा काम करते तो हम लोग क्यों परेशान होते, क्यों हम परेशानी हमें क्या बोलना की ज्यादा। तो सुरक्षा है, सुरक्षा मिली हुई है महिला को, विरोध में हमें उनके खड़े होना क्या परेशानी है, तभी तो खड़े, तभी तो हम बोलते हैं। अच्छा आगे अब क्या करेंगे, ये सब जो अभी यहाँ पे हो रहा है आपका प्रदर्शन नहीं सुनवाई, आगे क्या करेंगे? यही करेंगे कि सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। आप चंद लोग सरकार बदल देंगे, चंद लोग सब तरह से लोग आए अभी हुए हैं। देखा ही क्या है, सारे किसान ही है सब, अब किसानों को तो परेशानी है। वो तो भाई पीछे से बहुत मजबूत है, आप लोग हटा लेंगे सरकार? बिल्कुल इतनी मजबूती है, वो सरकार भी हमारी लोगों की देन है, हम चाहेंगे उसी देन है, आपकी देन है, जिसको चाहेंगे उसी को बना सकते हैं। ये देखिए, ये गरीब मजदूर किसान है और दलित भी यहाँ पर पूरा खेमा आया हुआ है, परेशानी है, लेकिन अम्मा बोलती है कि भाई उन्होंने महिलाओं के लिए योगी जी ने तो बढ़िया किया हुआ है, निकलती हैं तो फिर भी परेशानी है। लेकिन ये देखिए कि मजदूर और दलित और किसान किस तरीके से लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहा है, और सोचिए वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है गांव में, अलग अलग सहारनपुर से आए हैं, कोई सीतापुर से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, बरेली से भी आए हैं, लेकिन सोचिए कि योगी जी की सरकार वहाँ सुनवाई नहीं कर रही है, तो यहाँ दिल्ली भेज दिया जा रहा है इनको, और दिल्ली में भी अब जो है यहाँ पर ये लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, क्या कुछ रहेगा तो अभी इन्हीं लोगों से ही पता चलेगा, अभी ज्ञापन सौंपा जा रहा है। बाकी ये देखिए कि कितनी परेशानी है, कितनी समस्या है कि गाय और पशुओं के लिए गौशाला बनाई गई है, ऐसा बताया जा रहा है, आंकड़े भी दिखाए जा रहे हैं, और लगातार वहां पर बाड़े बनाने के लिए पीछे से बजट भी लिया गया है। लेकिन ये देखिए कि ये किसान मजदूर ये बता रहे हैं कि भैया वहां पे बाड़ा ही नहीं बना हुआ है, बल्लियों से और रस्सियों से बाड़े बनाए गए हैं, और गाय जो है ऐसे घुस जा रही हैं वहाँ पे, पशुए जो है इनकी फसलें बिगाड़ रहे हैं और लगातार घुस जा रहे हैं, कोई गौशाला में इस तरीके की सुविधा भी नहीं दी जा रही है। तो आखिर क्या ये जो मीडिया है वो सरकार के एजेंडे पे काम कर रहा है, जो ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं तो वो क्या झूठे आंकड़े हैं? तो आप ये समझिए कि किस तरीके के दो पहलू दिखाए जाते हैं और किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और तो ये फिर ये वो लोग कौन हैं जो गांव से आए हैं और किसान मजदूर परेशान हैं आवारा पशुओं से? तो ये जो लगातार यहाँ पर जो बताया जाता है मीडिया में, तो वो आप समझिए कि किस तरीके की पक्षपात की बात की जाती है। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।